हाँ, तो सारा इसमें जो है मृत्यु वाली बुक में क्या लिखा हुआ है कि मृत्यु क्या है। हाँ, जैसे कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला काम क्या करता है वो? रोता है। नहीं, रोता नहीं है वो। वो सबसे पहले सांस लेता है। तो हाँ, सांस लेने को हम जीवन कहते हैं और सांस छोड़ने को मृत्यु कहते हैं। और हाँ, आखिरी काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। हाँ, सांस छोड़ देता है, उसके बाद वो सांस नहीं लेता है, तो उसको बोलते हैं मृत्यु। हाँ, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप जब सांस छोड़ो, फिर सांस मत लो, हाँ, नाक बंद कर लो अपनी, तो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो हाँ, जीवन के लिए तड़प उठेंगी, हाँ, और इसी को हम मृत्यु बोलते हैं। हाँ, मृत्यु शाश्वत है और हाँ, जीवन क्षणभंगुर है, हाँ इसलिए मृत्यु होने पर शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। मृत्यु सत्य है, इस किताब में ऐसा सकता दिखा मृत्यु। अरे हूँ। फ्रंट पेज ही दिखा दो मृत्यु। ठीक है। नमस्ते शिव शंभू, कैसे हैं आप? तो दोस्तों ये देखो, लक्ष्यवीर अभिमन्यु, बारिश हो रही है और ये कैसे देखो बारिश में मस्ती कर रहे हैं। इनको बस एक मौका मिलना चाहिए और ये मस्ती इनकी स्टार्ट हो जाती है। लवी, अभिमन्यु अंदर आओ, बारिश हो रही है बेटा। रुको, मैं मम्मा को फोन कर रही हूँ। रुको, कर दूँ फोन? कर दूँ? आज सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा प्यारा सा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में हो रही है भागवत, और प्रमोद लेने गए हैं केले। हम भागवत में आज प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, तो मैं प्रमोद का ही वेट कर रही हूँ उनके आने का, फिर हम लोग जाएंगे भागवत में। और ये इसका बेटा है लवी, और अब हम जा रहे हैं भागवत कथा में। ये धुंधला सा कैसे हो जाता है? हाँ, आप सही हुआ। हाँ, ये मैंने कहा है आपको। केले हैं, देखिए ये हमारे केले हैं, एक दर्जन। इनको हम देने जा रहे हैं भगवान जी को। दो इसमें डालो, चलती थोड़ा वीडियो। चलो अभी आ जाओ, लो। चलो। हाँ, तो देखिए गाय जा रही है, और ये इसका बेटा आ रहा है लवी कुमार नागर। ये देखिए मुस्कुराते हुए। जो लोग रह गए शीघ्रति शीघ्र करेंगे। आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी, में वैजंती माला यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। और एकदम से इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि हम पहले घर चले गए थे, फिर प्रमोद बाद में आए थे प्रसाद लेने। नहीं देखे, वहां पे जीभ लखलखा रही थी, फिर प्रमोद लेकर आए दोबारा से, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई थी, तो बाद में लेकर आए वहां प्रमोद तो एक प्रसाद। कोपरे के लोग छट रहे हैं, और एक अंकल को वहां से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर लड़ाई हो रही वहां पे प्रसाद के लिए। हाँ, इससे थैंक पता यू। चलता है खाने की क्या वैल्यू है। हम खाने वाले हैं डिनर में छोले भटूरे। तो ये है छोले, मैंने बना लिए थे, ये देखिए। वंशी का देखो, ये देखिए, ये भटूरे ऐसे हैं जो राजा के भी से अच्छे होंगे, राजा वंशी का फेल कर देगी सबको, को भी जैन को भी। सबको फेल कर देगी मोदी नगर में। वंशी का सोच रहे थे, ये तो मेरा एग्जाम की तरह हो रहा है, क्या मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। हम करोगे गैस? कढ़ाई छोटी तो नहीं पड़ रही? नहीं, एक टाइम पे एक ही बनेगा। ये सही है ना देखिए कढ़ाई? किस तो तरह से ये आवाजें आ रही हैं। चलाते रहो उसे। हाँ, चला रही हूँ ना। तड़ा, अब से कर दे। छुट 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 छुट, दूर रहो दोस्तों। किस पे लगाओगे उसको? सेले पहले से। ये देखिए, वाह भैया, ये देखिए 10 रुपए के 5। ओ बेटा जल जाएगा। अब हम इसके कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये आप देख सकते हैं बिल 1500 रुपये में। अब इसको खोल के दिखाते हैं। ला,
ये, अरे खुल तो गया, नहीं इसको खोलो, रख क्यों रहे हो उसे। तो ये देखिए कितना सुंदर है, मैंने लिया है ग्रीन कलर। टुटुरु दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये और 1 ईयर वारंटी के साथ ये आया है। ये है इसकी अनबॉक्सिंग। और क्या मिला इसमें? और ये लवी की और ये पढ़ाई। और हमने खाए हैं आज छोले भटूरे। चुप 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 लवी, चुप चुप लवी, चुप 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 लवी, बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हेलो गाइस लवी, हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई लव यू बोल रहा, हाउ आर यू की जगह। हे भगवान, ये देखो ये कान में मैंने, अरे टी शर्ट भी मैच हो गई पम्मो, ग्रीन ग्रीन हो गया सब कुछ। तो देखो दोस्तों, इससे ना फायदा ये है कि आप इसे कान पे लगा के कॉलिंग भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल उठा सकते हो, यहाँ पे दबा के गाने सुन सकते हो, किसी से बात भी कर सकते हो, घर के सारे काम कर सकते हो इसे लगा के। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और हाँ, और जो 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 हाउस वाइफ है या वर्किंग है, सब इसको मस्त यूज़ कर सकते हैं। और जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी पता नहीं चलेगा। और आप अच्छे से बिना फ़ोन को पकड़े फ़ोन पे मतलब इस पर बातें भी कर सकते हो। ये देखो जवानी ते। तो दोस्तों ये बुक है मृत्यु जाने एक महायोगी से। तो ये बुक उनके उन लोगों के लिए है जो एक दिन मरेंगे और जो जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या होती है। तो प्लीज़ ये बुक रीड करें। ये मैं रीड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ कि प्लीज़ एक बार इसे पढ़ें, क्योंकि मरना सबको ही है। तो एक बार पढ़ लो इसे, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी। तो दोस्तों देखो, ये आप अपने बालों में भी छुपा सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे आज का व्लॉग हम एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शिव शंभू।